हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी साइड इफेक्ट चैनल। चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर वीडियोस। आज इस वीडियो में न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन लाया हूं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सारे ही क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश किया हूं। अगर आप टिस नेट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो कंप्लीट पीडीएफ भी एनरोल कर सकते हो, ओनली 399 रुपीज़, जिसमें आप पीडीएफ लेने के लिए आप मुझे studysideeffect@gmail.com में मेल कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन, हु अमोंग द फॉलोइंग चेयर्ड कमिटी फॉर इवोल्यूशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमोंग द फॉलोइंग चेयर्ड द कमिटी फॉर द ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन 2019। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, के कस्तूरी रंगन। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यूनियन कैबिनेट हैज़ डिसाइडेड टू चेंज द नेम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जो MHRD जो मिनिस्ट्री है उसे अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाएगा। पहले भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता था, फिर चेंज किया गया था, फिर वही चेंज कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 टारगेटेड 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल बाय विच ईयर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन, NEP 2020 एम्स टू इंक्रीज द ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो इन द हायर एजुकेशन फ्रॉम 26.3% 2018 टू 50% बाय विच ईयर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, 2035 इज द करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, मैं भूल गया था बताना। अब 6% ऑफ GDP इन्वेस्ट किए जाएंगे एडुकेशन में, ठीक है, 6% ऑफ GDP इन्वेस्ट इन एडुकेशन। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी याद रखना, 6% ऑफ GDP। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिगार्डिंग मल्टीपल एंट्री टू एग्जिट ऑप्शन इन UG स्ट्रीम, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। नॉट करेक्टली मैच्ड कौन सा है? तो सर्टिफिकेट कोर्स आफ्टर 1 ईयर, ये बिल्कुल सही है। एडवांस डिप्लोमा आफ्टर 2 ईयर, ये भी बिल्कुल सही है। बैचलर्स डिग्री आफ्टर 3 ईयर्स, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये इनकरेक्ट है। बैचलर विथ रिसर्च इन 5 ईयर, ये बिल्कुल गलत है। ये 4 ईयर में ही आपको बैचलर्स विथ रिसर्च दिया जाएगा डिग्री, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 4 ईयर। और विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो ऑप्शन नंबर 4 is not correctly matched. Next question, as per NEP 2020, teaching up to at least what grade to be in mother tongue regional language. तो class 5 तक आप regional language या mother tongue में पढ़ सकते हैं, grade 5. Next question, the 10+2 structure of school curriculum is to be replaced by which curricular structure? द करेक्ट ऑप्शन इज 5+5+3+3+4, ऑप्शन नंबर 1 इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोकेशनल एजुकेशन विल स्टार्ट इन द स्कूल फ्रॉम विच ग्रेड दैट विल आल्सो इंक्लूड इंटर्नशिप। द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4, ग्रेड 6। सिक्स क्लास से आपका वोकेशनल एजुकेशन भी स्टार्ट कर दिया जाएगा, इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2020-2021 विल बी डेवलप्ड बाय। द करेक्ट आंसर इज NCERT। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर NEP 2020 नेशनल असेसमेंट सेंटर परख विल
set up as a standard setting body, what does letter R stand for? The correct answer is option number 3, review. Review is the correct answer. Next question, which among the following does not find mention in NEP 2020? The correct answer is option number 4, journal talent hub. Baki sare find hote hain, gender inclusion fund, bal bhavan, samajik chetna kendra. Next question, what does letter P stand in NPST that find mention in NEP 2020? The correct answer is professional, option number 2. Next question, which of the following pair is not correctly matched? The correct answer is option number 4, is not correctly matched. Baki sare match hote hain jo ki diya gaya, multidisciplinary education and research university model for the matched multidisciplinary education of the global standard in the country. Baki sare match ho rahe hain, option number 4 is a incorrect match. Next question, name the new seat that will added to the higher education institution. R is option number 4, 3.5 crore. Next question, Higher Education Commission of India that will act as a single overreaching umbrella body that for the entire education does not include which education sector? कौन से education sector में include नहीं होगा? एक था medical और दूसरा था law, law यानी कि legal education में. तो option number 1 is a correct answer. Does not include medical and legal education. Next question, affiliation of college to be phased out in how many years? The correct answer is option number 3, 15 years. As per the NEP 2020, NMM stand for, the correct answer is option number 1, National Mission for Mentoring. इसी के साथ जो भी मैंने important question आपके लिए रखे थे वो complete हो गए हैं. इम्पॉर्टेंट दो पॉइंट भी बताया आपको, 6% जीडीपी का अब एडुकेशन सेक्टर में जाएगा और नेशनल एडुकेशन जो आपका एमएचआरडी को नेम चेंज कर दिया जाएगा अब आपका एडुकेशन मिनिस्ट्री से. तो दो पॉइंट भी मैं आपको बताया था इस वीडियो में जो कि आपको याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है. और भी किसी तरीके का अपडेट लगे तो मैं ज़रूर आपको और भी वीडियो बना के आपको बताने की कोशिश करूँगा. तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू. इसी तरह मैं और भी आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो लाते रहूँगा. थैंक यू.